अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्राइड चिकन, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। चिकन लिया मैंने आधा किलो, मैदा 2 कप, लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून, मिसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन में 1 कप सिरका ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसको मिक्स करने के बाद 15 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। सिरके में चिकन को डाले हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको वॉश कर लेंगे। चिकन को हमने वॉश कर लिया, अब इसको मसाले लगा के मैरिनेट कर लेंगे। मसालों में जो हम यूज़ करें नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च पाउडर, वो अंदर डाल देंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम पीसेस पे लग जाए। इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए आधा घंटा हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने मैदा लिया है इसमें मैं 2 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स हो गया, अब हम एक चिकन का पीस लेंगे, इस पे बहुत अच्छे से मैदा लगाएंगे, इसको पानी में डिप करेंगे, पानी से निकालेंगे और फिर मैदा लगा देंगे। इसके ऊपर अच्छे से मैदा लग चुका है, इसको अंदर डाल देंगे। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे तमाम पीसेस के साथ। इनकी साइड उल्टा देंगे, इनको साथ साथ हिलाते रहेंगे, इनको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। हमारा फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हैप्पी कुकिंग विद मरियम सब्सक्राइब नहीं किया तो सो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।